पारडी तालुका के कलसर गांव स्थित पुलिस चेक पोस्ट पर एक इंडिगो कार पिछले 5 महीनों से सड़ रही है। दरअसल GJ06AX 3116 नंबर के बड़ौदा पार्सिंग की यह कार को 5 महीनों पहले प्रोहिबिशन एक्ट के तहत जब्त किया गया था। पुलिस को कार में से 5 बक्से दमन के बनावट की शराब प्राप्त हुई थी, ऐसी चर्चा घूम रही है। ताज्जुब की बात तो यह है कि पिछले 5 महीनों से सड़ रही इस कार पर बड़े अक्षरों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और कार किसी बड़ौदा के अभिषेक के नाम पर रजिस्टर्ड है। 5 महीनों से धूल खा रही इस कार के बारे में जब उधर फर्ज निभा रहे PSI से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ड्रिंक एंड ड्राइव केस में इस कार को जब्त किया गया है। मार्ग के कोने में पड़ी इस कार का अभी तक कोई मालिक भी लेने नहीं आया है, ना ही इस कार के बारे में प्रशासन ने कोई कार्यवाही की है। कार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो इस पर से शायद यह भी प्रतीत हो सकता है कि इस कार को किसी सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर चलाने दिया गया हो। ऐसे में 4 से 5 महीनों से पड़ी इस कार पर जल्द कार्यवाही होने का आदेश प्रशासन को जारी करना चाहिए या फिर कार को यहां से पुलिस थाने भिजवाकर जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्यवाही करनी चाहिए। वैसे तो कलसर का पुलिस चेक पोस्ट पारडी पुलिस के दायरे में आता है, इसके बावजूद कार का कब्जा पुलिस ने नहीं लिया है और कार को चेक पोस्ट के बाजू में पार्क करवा के रख दी गई है। इस मामले के बारे में पारडी पुलिस थाने में संबंधित अधिकारी को पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि यह कार में बैठे लोग दमन से शराब का नशा कर कार चला रहे थे, इसलिए उसे ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पकड़ा गया था। फिलहाल तो धूल खा रही इस कार को प्रेम भरे शब्दों से उस पर लगी धूल में चित्रकारी कर उसे सजाया जा रहा है। वहीं यहां से रोज गुजरने वाले लोग कार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा देख कई आशंकाएं मन में लेकर चर्चा कर रहे हैं।